मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करीब 3 हफ्ते से अमेजन नदी घाटी में फैले वर्षा वन जल रहे हैं। अब तक 47,000 वर्ग किलोमीटर जंगल खाक हो चुके हैं। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इससे लगाएं कि भारत के सभी 110 नेशनल पार्क करीब 41,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही हैं। करीब 55,00,000 वर्ग किलोमीटर के अमेजन के जंगल धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। यहाँ से दुनिया की जरूरत का 20% ऑक्सीजन मिलता है। दूसरी ओर आग के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे एनजीओ पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं एनवायरमेंटलिस्ट्स राष्ट्रपति की नीतियों को दोषी ठहरा रहे हैं। ब्राजील की राष्ट्रीय अंतरिक्ष शोध संस्था INPE के अनुसार जनवरी से अब तक इन जंगलों में आग लगने के 74,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि पूरे 2018 में 39,000 मामले आए थे। आग का कहर पूरे देश पर दिख रहा है। जंगल से करीब 3200 किलोमीटर दूर स्थित देश की राजधानी साओ पौलो में भी दिन के समय सूर्य नहीं दिख रहा, धुएं की वजह से अंधेरा छाया रहता है। हालत यह है कि दोपहर 3-4 बजे लोग वाहनों के हेडलैम्प और घरों में बल्ब जलाकर काम चला रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि आसमान में करीब 45,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में धुआं पसरा है। आग इतनी भयंकर है कि विभिन्न उपग्रहों से जंगलों से धुआं उठता नजर आ रहा है। अमेजन जंगल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह दक्षिणी अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला हुआ है। इसके वर्षा वन 34,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले हैं। माना जाता है कि अमेजन अगर कोई देश होता तो वह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। बताते चलें कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कहा जाता है। यहाँ इतने बड़े और लंबे पेड़ हैं कि यहाँ पर धूप की रोशनी तक सही से नहीं पहुँचती। यह पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी मशहूर है। यहाँ दुनिया के 20% ऑक्सीजन बनने का दावा किया जाता है। यहाँ पेड़ पौधे, कीड़े, जानवर आदि के ढेरों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व के 1/3 मुख्य वन यहाँ हैं, जो 90 से 140 अरब टन कार्बन हर वर्ष सोख रहे हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग रोकने में मदद मिल रही है। 30,000 प्रजाति के वृक्ष, 2,500 किस्म की मछलियाँ, 1,500 किस्म के परिंदे, 500 स्तनधारी, 550 सरीसृप और 25,00,000 किस्म के कीट हैं। 2,200 नए पौधे और जीव बीते 20 वर्षों में यहाँ खोजे गए। 6,900 किलोमीटर में बहने वाली अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दुनिया का 20% गैर हिमीकृत पानी इसकी घाटी में है। 410 किस्म की जनजातियां यहाँ करीब 11,000 वर्षों से रह रही हैं। आखिर ये आग किस वजह से लगी? हालांकि अमेजन वर्षा वन आमतौर पर गीला और नमी भरा होता है। जुलाई और अगस्त इस क्षेत्र के सबसे शुष्क महीने हैं। एक्टिविटी के साथ सितंबर की शुरुआत में चरम पर है और नवंबर के मध्य तक रुक जाता है। नासा के अनुसार खेती या रेंचिंग के लिए जमीन को साफ करने के लिए अक्सर आग का इस्तेमाल किया जाता है। उस कारण से आग के एक विशाल हिस्से के लिए मनुष्यों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सैटेलाइट इमेज ब्राजील के राज्यों अमेजन, रोंडिया, पैरा और माटो ग्रोसो में आग दिखाती है। यूरो न्यूज़ के अनुसार अमेजन राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं। मंगलवार को मौसम विज्ञानी एरिक होल्टहास ने ट्वीट किया, जिसमें ब्राजील के लगभग आधे हिस्से में पहले कवर से धुआं दिखाते हुए डेटा था। हम एक जलवायु आपातकाल में हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा। अमेजन के नुकसान का प्रभाव ब्राजील और उसके पड़ोसियों से बहुत आगे निकल चुका है। क्षेत्र का वर्षा वन दुनिया के ऑक्सीजन का 20% से अधिक और दुनिया की नॉन बायोडाइवर्सिटी का 10% उत्पन्न करता है। अमेजन को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है और जलवायु को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर बारिश का पानी खेतों में पीने के पानी तक सब कुछ गायब हो जाता है तो दुनिया बहुत बदल जाती है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की मौसम शाखा ने गुरुवार को आग के बारे में ट्वीट किया। संगठन ने कहा, आग वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों और कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और गैर मीथेन कार्बनिक यौगिकों जैसे जहरीले गैसों को छोड़ती है। आखिर ये आग कितनी बड़ी है, आप अंतरिक्ष से धुएं को देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के उपग्रहों ने अमेजन, रुंडानिया और अन्य क्षेत्रों में धुएं की महत्वपूर्ण मात्रा की छवियों को कैप्चर किया। ब्राजील के 100 पोलो के ऊपर आसमान में अंधेरा छा गया। एक घंटे तक सोमवार दोपहर बाद ठंडी हवा के कारण करीब 1700 मील दूर से हवाएं चली और धुआं उठा। क्या आग लगाई गई है? आग अभी भी उग्र है, लेकिन गुरुवार को छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की खबर है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो वनों में लगी आग के आंकड़ों को फर्जी करार दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हो रही आलोचना के बाद उन्होंने आग के लिए विभिन्न एनजीओ को जिम्मेदार ठहराया है। बुधवार को फेसबुक पोस्ट में कहा कि कुछ एनजीओ जंगलों में आग लगाने की साजिश रच रहे थे, हालांकि राष्ट्रपति इसका साक्ष्य नहीं दे सके। उनका कहना है कि एनजीओ को पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए ब्राजील के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। लोग ब्राजील के राष्ट्रपति को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अमेजन के जंगलों की कटाई के आंकड़ों के बीच इससे जुड़ी एजेंसी के प्रमुख को निकाल दिया है। वहीं संरक्षणवादियों ने बोल्सोनारो को ही इस घटना के लिए दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि बोल्सोनारो लोगों और किसानों को भूमि खाली करने के लिए उकसा रहे हैं। जुलाई में कटे सबसे अधिक वन। विभिन्न संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2019 में अमेजन घाटी से 1345 वर्ग किलोमीटर वन काट दिए गए। यह विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र टोक्यो के क्षेत्रफल से करीब दोगुना है। अब तक के इतिहास में अमेजन घाटी से इतना वर्षा वन कभी एक साथ नहीं काटे गए। एनवायरमेंटलिस्ट ने राष्ट्रपति की नीतियों को ठहराया दोषी। एनवायरमेंटलिस्ट और जंगलों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों ने आग के लिए जंगलों को तेजी से काटने की राष्ट्रपति बोल्सोनारो की नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि खेती और खनन के लिए जंगलों को जलाया जा रहा है। जनवरी 2019 में राष्ट्रपति बने बोल्सोनारो वर्षा वनों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं मानते। वह कृषि, बांध और बिजली उत्पादनों को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को ब्राजील पर विदेशी एजेंडा थोपने के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण के पेरिस समझौते से हटने की चेतावनी भी दे चुके हैं। अमेजन की आग को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। सोशल मीडिया के जरिए लोग आग रोकने के लिए अपील कर रहे हैं। भारत सहित पूरी दुनिया की जानी मानी हस्तियों और राजनेताओं ने ब्राजील पर हालात सुधारने का दबाव डाला है। ट्विटर पर प्रे फॉर अमेजन हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। वहीं एनवायरमेंटलिस्ट सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी जैसे देश ब्राजील को वनों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला फंड रोकने की घोषणा कर चुके हैं। आप कैसे मदद कर सकते हैं? रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क पे आप 1 एकड़ अमेजन का फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए डोनेट कर सकते हैं। अपने कागज और लकड़ी की खपत को कम करें। रेन फॉरेस्ट अलायंस के साथ डबल चेक करें कि आप जो खरीद रहे हैं वह वर्षावन सुरक्षित माना जाता है। आप गठबंधन की साइट से वर्षावन सुरक्षित उत्पाद भी खरीद सकते हैं। एक पेड़ को दान करें जो दुनिया भर में और अमेजन रेन फॉरेस्ट में वनों की कटाई को रोकने के लिए काम करता है। वन ट्री प्लांटेड आपको पेरू प्रोजेक्ट पर अपडेट रखेगा और आपको पेड़ों का समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन पीस की याचिका पर हस्ताक्षर करें जो ब्राजील सरकार को अमेजन वर्षा वन को बचाने और स्वदेशी और पारंपरिक समुदायों की भूमि को रक्षा करने के लिए कह रही है। दोस्तों, इस वर्षा वन को बचाने के लिए अगर आपके दिमाग में और भी कोई उपाय है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके अवेयरनेस फैलाएं कि ब्राजील अमेजन को हमारी जरूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।